फ्रेंड दिस इज शुभम हियर एंड बैक विद अ न्यू वीडियो। एंड आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पावर का जो फंक्शन है यानी कि पावर निकालने के लिए उसके बारे में बताऊंगा। देखिए तो पावर निकालने के लिए फंक्शन यहाँ पर डायरेक्ट यूज करा हुआ है, ये देखिए POW, और उसमें एक्चुअली जो इन्होंने वैल्यू जो इनपुट करा दी है डायरेक्ट करवा दी है। अगर आप चाहे तो अगर आपने वेरिएबल ले रखा है तो फिर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि इनको 2.0 की फाइल पावर निकालनी है 4.0 टाइम। और यहाँ पे ये जो है फ्लोट के अंदर लिया हुआ है और ये जो लिया हुआ है वो इंटीजर टाइप में लिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए लेकिन परसेंट एफ यहाँ पे भी लगाया हुआ है प्रिंट कराने के लिए, तो इस टाइप से भी आप परसेंट एफ का जो है यूज कर सकते हो इसमें भी, तो दोनों का निकाल देगा देखिए। लेकिन दोनों का जो है वो पॉइंटों में दे रहा है, पॉइंटों में वो इसलिए दे रहा है क्योंकि दोनों तरफ परसेंट एफ लगा हुआ है। परसेंट डी से हम इसको ट्राई करते हैं, तो ये देखिए इधर एक्चुअली ना इसके लिए आपको परसेंट एफ में ही निकालना पड़ेगा, परसेंट एफ के अंदर। अब देखिए तो पावर इस टाइप से ही दे देगा। अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो भी ये देखिए 3.4 कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर देता हूँ मैं 2, ठीक है। तो ये तो 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो ये देखिए यहाँ पे 8.00, और यहाँ पे जो 3 की पावर 4 थी यानी कि 3 × 3 कितना आता है, 3 × 3 होता है 9, 9 × 3 27 एंड 23 × 3 81। तो इस टाइप से जो दोनों की पावर है वो निकल रही है। इसका ये भी तरीका है, इसका एक तरीका ये भी है, जैसे मान लीजिए आपने कोई वैल्यू एंटर कराई, यूजर से एंटर कराई, तो उसके लिए आप एक्चुअली फंक्शन के अंदर जाके, जैसे मैंने मान लीजिए मेरा आई वेरिएबल है वो मैंने आई वेरिएबल में कराई है, तो सीधा पी आई वो में जाने के मेरे जो दो वेरिएबल है आई वो उसको सीधा इसके अंदर यहाँ पे आपको कॉल कराना है और फिर फंक्शन को कॉल कर देना है। तो दोनों वैल्यू डाल ली और फंक्शन को कॉल कर देना है, उसके बाद में वो इसका जो पावर निकालनी होगी वो पावर निकाल देगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो में, इतना ही, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।